Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss few questions of BHU PET 2020 question paper from linear algebra. So linear algebra में जितने भी question पूछे गए थे सारे तो इस video में discuss नहीं हो सकते, but उनमें से 8 to 9 question आज की इस video में discuss करेंगे. और बाकी सब्जेक्ट्स के लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा उनके नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हुए चलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर एलजेब्रा ऑफ बीएचयू पीईटी 2020 क्वेश्चन पेपर. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट इन सी क्यूब लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमें थ्री टप्पल्स का एक्स सेट दिया हुआ है एक एलिमेंट, एंड वाई भी हमें एक थ्री टप्पल्स में एलिमेंट दिया हुआ है. देन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, सो एक्स एंड वाई का इनर प्रोडक्ट बताना है. सो यहाँ टप्पल्स में जो गिवन होते हैं उन एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसके फर्स्ट एलिमेंट को टप्पल्स के फर्स्ट फैक्टर को मल्टीपल करेंगे, प्लस सेकंड को सेकंड से करेंगे, एंड देन थर्ड को थर्ड से करेंगे. सिंपली यही प्रोसेस लगाएंगे. सो यहाँ से अगर सॉल्यूशन देखें इसका, देन यहाँ से हमें जो एक्स गिवन है, यहाँ से एक्स गिवन है वन प्लस आयटा, एंड देन यहाँ से टू माइनस आयटा. सो वन प्लस आयटा इंटू टू माइनस आयटा, प्लस सेकेंड एलिमेंट में यहाँ से ये जो थ्री गिवन है माइनस थ्री, इसको मल्टीप्लीकेट कर देंगे माइनस आयटा से. सो क्या आएगा, थ्री आयटा माइनस माइनस प्लस हो गया. एंड देन यहाँ से ये जो थर्ड एलिमेंट है प्लस फोर माइनस थ्री आयटा इंटू टू प्लस आयटा. सो ये आएगा इनका इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई. सो सिंपली यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई ये. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई अगर करेंगे देन सबसे पहले इसे करते हैं. सो वन इंटू टू विच इज इक्वल्स टू टू, माइनस यहाँ से क्या आएगा माइनस आएटा, एंड देन यहाँ से क्या आएगा प्लस टू आएटा, एंड देन माइनस आएटा, इसका ये वैल्यूज आएगी. सिमिलरली यहाँ से थ्री आएटा सिंपली आ गया था. यहाँ से भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आएगा एट प्लस फोर आएटा माइनस सिक्स आएटा माइनस थ्री आएटा स्क्वायर. ठीक है, सिंस आएटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आएटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन. सो आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन यहाँ से पुट कर देंगे. सो आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन अगर यहाँ से पुट करते हैं तो क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, टू की जगह टू आ गया, टू टू आइटा माइनस आइटा विच इज इक्वल्स टू आइटा. सो यहाँ से आइटा आ गया, एंड देन यहाँ से माइनस आइटा स्क्वायर है. सो आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा प्लस वन. सो यहाँ से आ गया प्लस वन. सिंपली यहाँ से थ्री आइटा एज इट इज लिख दिया. देन यहाँ से क्या आएगा एट फोर माइनस सिक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस टू, देन माइनस टू आइटा, एंड देन माइनस थ्री आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस थ्री, देन यहाँ से आ गया प्लस थ्री. सो यहाँ से अगर वैल्यू सिंप्लीफाई करें देन आयोटा की वैल्यू ऐड करते हैं एंड देन रियल वैल्यूज ऐड करते हैं. देन रियल वैल्यूज यहाँ से क्या है, टू प्लस वन थ्री, थ्री एंड एट फोर्टीन, थ्री एंड एट इलेवन, सॉरी इलेवन, इलेवन प्लस थ्री विच इज इक्वल्स टू फोर्टीन. सो यहाँ से वैल्यू आ गई फोर्टीन, एंड देन यहाँ से आयोटा प्लस थ्री आयोटा विच इज इक्वल्स टू फोर आयोटा, फोर आयोटा माइनस टू आयोटा इक्वल्स टू टू आयोटा, देन यहाँ से 14 प्लस टू आइटा आ गया. सो यहाँ से सिंपली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 14 प्लस टू आइटा विच इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया. ठीक है, सो सिंपली यहाँ से डायरेक्टली इनर प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया. तो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अगर पता हो, इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देन ये क्वेश्चन विद इन टू सेकेंड्स सॉल्व हो सकता है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट इफ डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ एम एन क्रॉस एन ओवर आर कंसिस्टिंग ऑफ डायगनल मैट्रिसेस, देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू की बात की गई कि डब्ल्यू की डायमेंशन क्या आएगी. ठीक है, सो यहाँ से अगर डब्ल्यू की डायमेंशन की बात करें, डब्ल्यू की डायमेंशन क्या आएगी, सो यहाँ से डब्ल्यू में गिवन क्या है, डब्ल्यू उन सारी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का सेट गिवन है जिसमें सिर्फ डायगनल एलिमेंट मैट्रिसेस कंटेन करती है. सो डायगनल मैट्रिसेस की अगर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी अगर यहाँ से लगाते हैं, देन यहाँ से क्या आएगा, कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस में इस टाइप से एलिमेंट्स होंगे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री एंड सो ऑन, सिमिलरली ए टू वन, ए टू टू एंड सो ऑन. सो एन क्रॉस एन में एलिमेंट्स रख देंगे, बट यहाँ से सिर्फ डायगनल मैट्रिसेस दिए गए हैं. सो डायगनल मैट्रिसेस वो मैट्रिस होते हैं जिनमें डायगनल के अलावा तो सारे एलिमेंट्स जीरो ही होंगे. डायगनल के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, वो जीरो होंगे या नॉन जीरो, बट डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे. सो टोटल इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी है जो डायगनल के अलावा नॉन जीरो, हमने नॉन जीरो तो नहीं कह सकते, बट डायगनल के अलावा कौन कौन, डायगनल में कौन कौन सी एंट्रीज बचेंगी, टोटल एन एंट्रीज,
यानी A1, A2, A3 एंड AN, इनके अलावा तो सारी एंट्रीज जीरो ही होगी। ठीक है, सो यहाँ से टोटल कितनी इंडिपेंडेंट एंट्रीज होगी, यहाँ से टोटल n इंडिपेंडेंट एंट्रीज आ रही है। सो डायमेंशन ऑफ w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n। सो सिंपली यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपली यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ w इक्वल्स टू n। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से जो गिवन कंडीशन होती है उन्हें अप्लाई करना रहता है कि डायगनल मैट्रिक्स से गिवन है, तो यहाँ से डायमेंशन n आ जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट, यहाँ से भी हमारे पास फिर से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे पूछ लिया क्वेश्चन। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही पूछे जाते हैं। सो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। ए हम एक 2x2 मैट्रिक्स दे, देन रूट ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू, ए यहाँ से एफ एक्स का रूट है, देन यहाँ से एफ एक्स क्या होगा, सो यहाँ से एफ एक्स इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। सो 2x2 मैट्रिक्स में अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना हो, देन इसका सिंपल फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से ट्रेस क्या है, ट्रेस होगा डायगनल एलिमेंट्स का सम। सो डायगनल एलिमेंट्स 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू डायगनल एलिमेंट्स का सम क्या है, -3। ठीक है, और डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट यहाँ से आ रहा है -4 -6 विच इज इक्वल टू -10। सो सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ट्रेस तो -3 एंड डिटर्मिनेंट -10। सो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स विच इज इक्वल टू +3x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से -10। सो यहाँ से पॉलिनोमियल क्या बना हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 इम्प्लाइज ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, सो यहाँ से हमें सिर्फ निकालना क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एंड देन सिंपली इसका सॉल्यूशन आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फॉर एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किसी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, मोस्टली हम करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट कर जाते हैं एंड इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं देते, यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है क्वेश्चन, एक तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दी हुई है ए, सो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दी हुए, देन ऑप्शन ए, ऑप्शन देखें तो क्या है, ऑप्शन ए कहता है नलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी कहता है ए कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ऑप्शन सी कहता है जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, एंड देन लास्ट स्टेटमेंट कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ए हमें इन्वर्टेबल मैट्रिक्स गिवन है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स गिवन, देन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ए इन्वर्टेबल है, देन इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो ऑप्शन में एक जगह डिटर्मिनेंट की बात की है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से ये ऑप्शन तो ट्रू है बट हमें इनकरेक्ट बताना है, सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, साथ ही इन्वर्टेबल है, देन उसके लिए रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आता है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आएगा, और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आता है देन बाय सिल्वेस्टर सो रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू एन, देन यहाँ से रैंक अगर जीरो, रैंक अगर एन आ गई देन नलिटी क्या आएगी, नलिटी इक्वल्स टू यहाँ से जीरो आ जाएगी इस रूल से, सो यहाँ से नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, बट हमें ऑप्शन नहीं कह रहा है नलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो यहाँ से सिंपली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, सो ऑप्शन ए यहाँ से ट्रू होगा। और बाकी स्टेटमेंट्स की अगर बात करें, देन अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है देन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए जीरो इस के एक आइगन वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर जीरो आइगन वैल्यू होगी देन इस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, दैट इज वाई यहाँ से स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट होगा, सो ये भी डिस्कार्ड हो गया। लेकिन ऑप्शन बी की अगर बात करें, ए कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, सो एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, सो यहाँ से ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दी है, दैट इज वाई यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ट्रू है, बट हमें यहाँ से इनकरेक्ट बताना है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो यहाँ से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है, सिंगल करेक्ट है, सो ऑप्शन ई करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट इफ द वेक्टर्स, हमें यहाँ से तीन वेक्टर्स गिवन है 1, 2, 3, 2-1, 4 एंड 3 अल्फा 4 आर एल डी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा,
सो यहाँ से कोई भी तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं जो एल डी है, देन बताना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सो वेक्टर्स एल डी कब होंगे, जब उनको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में रख दें, यानी उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल लें, देन अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो वो एल आई हो जाएगा, एंड डिटरमिनेंट जीरो आएगा देन वो एल डी हो जाएंगे। सो इन्हें भी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे, देन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में लिखने से 1 2 3, 2 -1 4 एंड 3 अल्फा 4। सो यहाँ से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गई। देन इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आएगा देन तो ये एल आई, और अगर जीरो आ जाए देन एल डी। सो यहाँ से डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो ले लिया हमने। सो सिंपली इसका डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी, जिसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे देन लास्ट में यहाँ तक वैल्यू आती है 2 अल्फा + 13 इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू -13/2। देन उसके लिए एल डी, ये एल डी आए हैं, दैट इज़ वाई यहाँ से ये लीनियरली डिपेंडेंट आ गए, दैट्स वाई ऑप्शन बी यहाँ से -13/2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट लेट टी आर क्यूब टू आर क्यूब बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 इक्वल्स टू 2 3 5, ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 1 1 इक्वल्स टू 1 0 0, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1 इक्वल्स टू 0 1 एंड -1। देन हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 0 1 इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ से चार ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 0 1 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें 1 0 1 को इनकी फॉर्म में लाना होगा, 0 0 1 एंड 0 1 1 एंड 1 1 1 के रिस्पेक्ट में इसकी फॉर्म में लाना होगा, तभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, सिंस टी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। सो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो टी ओवर एल्फा वी क्या आता है, एल्फा यहाँ से स्केलर है, एल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन एल्फा टी ओवर वी आ जाएगा। सो यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। सो इसी कंडीशन से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 0 1 ये हमें फाइंड आउट करना है, विच इज़ इक्वल टू यहाँ से इसे इनकी फॉर्म में निकाल लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इंटू 0 0 1 प्लस बी इंटू 0 1 1 एंड प्लस सी इंटू 1 1 1, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 1 यहाँ से इसकी फॉर्म में से निकालना है। सो यहाँ से यहाँ का सिंप्लीफाई करेंगे, को फैक्टर्स इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई अगर करते हैं देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से सिर्फ थर्ड कोफिशियंट के लिए वैल्यू आ रही है, यहाँ से थर्ड टप्पल में थर्ड टर्म के लिए वैल्यू आ रही है, यहाँ से दोनों के लिए स्टार्टिंग की नहीं आ रही है, देन यहाँ से तीनों के लिए आ रही है। सो यहाँ सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी सी बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो यहाँ से लेफ्ट एंड राइट टर्म्स कोफिशियंट्स को इक्वल कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट को अगर इक्वल करते हैं देन यहाँ से क्या आएगा, सी इक्वल्स टू 1, बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है, सी इक्वल्स टू 1 आ गया, सी इक्वल्स टू 1 यहाँ से पुट करेंगे देन बी इक्वल्स टू -1 आ गया, अब बी इक्वल्स टू -1 सी इक्वल्स टू +1 पुट करते हैं देन ए इक्वल्स टू +1 आ गया। सो ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ से अब इसमें रख देंगे, यहाँ से पुट करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 1 इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ए की वैल्यू यहाँ से 1 है, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 यहाँ से बी की वैल्यू -1 है एंड देन सी की वैल्यू +1 है, सो वैल्यू पुट कर दिए। सो यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन अप्लाई करते हुए यहाँ से क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 1 एंड प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 1 1। सो यहाँ से इनका रिजल्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, सो यहाँ से अगर इनकी वैल्यू यहाँ से गिवन क्वेश्चन से यहाँ पुट करेंगे 2 3 5 1 0 1 एंड 1 0 0 एंड 0 1 -1, सो क्या वैल्यूज आएगी, यहाँ से ये वैल्यू आई, अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर देंगे तो 2 -1 इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा +1, यहाँ से 3 + 1 इक्वल्स टू +4, 5 -1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 0 1 इक्वल्स टू 1 4 4। सो ऑप्शंस की अगर बात करें 1 4 4, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन ए करेक्ट आया 1 4 4। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। सो यहाँ से जो हमने प्रोसेस लगाई है उसी प्रोसेस से हम किसी दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में एमएससी एंट्रेंस के में पूछे जाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन और नेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
हमें डायमेंशन बतानी सॉल्यूशन स्पेस की. सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है. सो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन गिवन हो देन उस केस में हमारे पास डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस नॉर्मली क्या आएगा, चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो. डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए, और ए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ए एक्स इक्वल्स टू बी से रिप्रेजेंट हो रहा है. सो यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, देन नलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ से इसे ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे देन यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू हमारे पास ये 3x3 मैट्रिक्स बनी. देन हम इसकी नलिटी निकाल लिए. देन यहाँ तो हम यहाँ से वो सिंपल रिलेशंस लगा के इसके लिए इक्वलन फॉर्म फाइंड आउट कर लें, देन इसके लिए रैंक और नलिटी फाइंड आउट करेंगे. एक तो तरीका इक्वलन फॉर्म का है जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम इक्वलन फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, देन हम इसकी रैंक फाइंड आउट कर देंगे, या फिर इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं. अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा देन इसकी रैंक 3 हो जाएगी, एंड अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा देन इसकी हाईएस्ट कोफैक्टर की वैल्यू देखेंगे जिसके लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा. ठीक है, पहले 2 के लिए ट्राई करेंगे, देन 2 के लिए भी नहीं होगा, देन यहाँ से नॉन जीरो मैट्रिक्स, दैट इज़ वाई इसकी रैंक 1 हो जाएगी. सो अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ से अगर इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ से 0. सो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है देन इसकी रैंक तो 2 तो डेफिनेटली 3 तो डेफिनेटली नहीं होगी क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट 0 वाली है. सो यहाँ से इसकी रैंक 3 नहीं है. रैंक 3 नहीं है देन इसकी रैंक क्या है, अगर 2 हाईएस्ट ऑर्डर बच्चा 3 के बाद हम 2 पे आएंगे. अगर 2 का कोफैक्टर अगर देखते हैं देन यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 के लिए अगर देखते हैं देन 4+32 डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है. तो ये क्या इम्प्लाई करा है, यहाँ से इसकी रैंक आएगी 2. रैंक अगर 2 आ रही है देन इसकी नलिटी क्या आएगी, रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू एन होता है. एन की वैल्यू यहाँ से 3x3 मैट्रिक्स के लिए 3 है. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से नलिटी क्या आएगी, नलिटी इक्वल्स टू 1. देन दिस वन इज डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस. सो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 1. सो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस अगर 1 आई है देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए, सॉरी मैंने यहाँ से इसके ऑप्शन राइट आउट नहीं किए हैं, बट इसके ऑप्शन है 0, ऑप्शन ए कह रहे हैं 0, ऑप्शन बी कह रहा है 1, ऑप्शन सी कह रहा है 2, एंड ऑप्शन डी कह रहा है 3. सो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आया क्योंकि ऑप्शन बी करेक्ट आया क्योंकि डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इक्वल्स टू 1 आया. ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ़ के की हमारे पास दो दो कंडीशंस गिवन है. कौन सी कंडीशन के लिए यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन आएगा. सो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास एन क्रॉस एन के लिए गिवन है. सो एन क्रॉस एन के लिए अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है एंड यूनिक सॉल्यूशन पूछा है तो यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ एक ही केस में आएगा, व्हेन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन हो जाए. सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू अगर एन आएगी तो इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बनेगा. सो यहाँ से इसे सबसे पहले ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में राइट आउट करेंगे, देन ए यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी K11, 1K1 एंड 1 1K. सो यहाँ से इसके लिए रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आनी चाहिए, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 आनी चाहिए. और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ रही है देन ये क्या इंप्लाई कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा. सो यहाँ से इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, देन ये यहाँ से क्या सिंप्लीफाई करेगा, यहाँ से इन सारी इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. देन सिंप्लीफाई करने से हमारे पास K³ - 3K+2 डज नॉट इक्वल्स टू 0 बनेगा, जिसे सिंप्लीफाई करने से आ रहा है K-1² × K+2 डज नॉट इक्वल्स टू 0. दिस वन इज इम्प्लाइंग K≠1 एंड K≠2. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग K≠1 एंड K≠2 पे यहाँ से डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है. दिस वन इज इम्प्लाइंग रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ रही है. सो K≠1 एंड K≠-2. सो ये यहाँ से इम्प्लाई कर रहे हैं ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9. इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट हमें यहाँ एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, एंड देन ये मैट्रिक हमें इक्वल्स टू दी हुई है. यहाँ एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है एंड देन ये स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है. दो एक लोअर ट्राइंगुलर एंड एक स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन में एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है. स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि यहाँ से इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है एंड देन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 है.
सो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी और सारे डायगोनल के एलिमेंट वन होने की वजह से इसे स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है, ठीक है। सो यहाँ से इस मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में डिनोट किया गया है। देन पूछा गया यहाँ से ये जो एलिमेंट है A33, इसकी वैल्यू ए है, देन ए की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज़ -2, -1, 1 और 2। सो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मेथड है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, यानी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से इनके मल्टीप्लिकेशन से आएगा, सेकेंड एलिमेंट A12 इन दोनों से आएगा, थर्ड एलिमेंट A13 यहाँ से ऐसे आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हुए सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, देन फाइंड आउट किए तो एलिमेंट्स ये आए हैं। अब यहाँ से इक्वल्स टू में हमें 3x3 मैट्रिक्स दिए हैं, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। लाइक यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है, देन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। सो कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, देन उनकी करस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज इक्वल होगी, यानी यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा। सो L11 = 1 आ जाएगा, L21 = 2 आ जाएगा, एंड L31 = 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये एलिमेंट आ जाएगा 4 के इक्वल, क्योंकि उस मैट्रिक्स में 4 है। सो यहाँ से L11 = 1 आया था, सो यहाँ से U12 क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से 4। सिमिलरली L13 = 3, देन यहाँ से L11 की वैल्यू 1, देन U13 = 3 आ जाएगा। सो इसी तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए हमने L32 की वैल्यू -12 निकाल लिया, एंड L22 की वैल्यू -1 निकाल लिया। सिमिलरली U23 की वैल्यू हमने यहाँ से -3 निकाल ली। एज यू कैन सी यहाँ से सिंपली हमने नॉर्मल मेथड लगाया है, L31 U12 + L32 = 8 सिंप्लीफाई कर लिया। L31 की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी, एंड U12 की वैल्यू ये रही 4 + L32 = 8, देन सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आ गई -12 यहाँ से, और यहाँ से सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली हमने यहाँ से U23 की वैल्यू निकाल लिया -3। तो यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देन लास्ट डिजिट ए के इक्वल आ रहा है, देन यहाँ से सिंप्लीफाई की हुई सारी वैल्यूज 1 by 1 हम पुट कर देंगे। L31 की वैल्यू 5 आई थी, L12 की वैल्यू 3 आई थी, L23 की वैल्यू -3 आई थी, L32 की वैल्यू -12 आई थी, यहाँ से -53 था = a, देन सिंप्लीफाई कर लिया। 15 + 36 - 53 = a, देन सिंप्लीफाई करने से a = -2 आए। सो a = अगर -2 आए, देन कौन से ऑप्शन में a = -2 है हमारे पास, a = -2 है हमारे पास ऑप्शन बी में। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, सॉरी यहाँ से मैंने ऑप्शन डी लिख दिया, बट ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ठीक है। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो आज के इस वीडियो में हमने BHUPET 2020 के लीनियर अलजेब्रा में पूछे हुए टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम BHUPET के बाकी टॉपिक्स पे, लाइक कॉम्प्लेक्स में, रियल में, उनमें पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।